हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास एट्थ आई ई ओ वर्क बुक चैप्टर नंबर फोर वन वर्ड सब्स्यूशन एंड कॉमन ईडियम्स प्रोवर्ब पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं वन वर्ड सब्स्यूशन मीन्स कई शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना कॉन कॉमन ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स होते हैं मुहावरे और कहावते ठीक है तो आपको कितने ईडियम्स आते हैं ये बेसिस पे आप ये ये चैप्टर कर पाओगे ठीक है वैल आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इन दिस शुरू करते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्यूशन फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन पीपल लिविंग एट द सेम टाइम एक ही समय के लोगों को बोलते हैं कंटेम्प्ररीज वन हु ईट्स एवरीथिंग जो सब कुछ खा लेता हो ऑप्शन्स आर ओमनीसेंट ओमनीसेंट वो होता है जो सब कुछ जानता है बी है ओमनीपोटेंट ओम्नीपोटेंट होता है स्किल टू डू एवरीथिंग जो सब कुछ कर सकता है ओमनीवोरस ओमनी वोरस वो पर्सन होता है जो सब खा लेता है पायरेट तो समुद्री डाकू को कहते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर स्टडी ऑफ बर्ड्स बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं वायरोलॉजी होती है वायरस की स्टडी एनाटोमी होती है इंसेक्ट्स की स्टडी ऑनिथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट हेयर फोर्थ है अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर आनंद के लिए करे जाने वाली वॉक गैलॉप फास्ट मूवमेंट होता है स्ट्रोल होता है धीरे धीरे आराम से चलना जॉग होता है रन स्लोली बट फॉर एक्सरसाइज लगून होता है अ पर्सन ऑन एन एनिमल एडॉप्टेड फॉर सॉरी अ लेक ऑफ सॉल्ट वाटर लगून होता है लेक ऑफ सॉल्ट वाटर सो so, इसका फोर्थ का सही ऑप्शन है स्ट्रॉल आनंद के लिए चलना। फिफ्थ पे आते हैं एड्रोमैटिक परफॉर्मेंस एड्रोमेटिक परफॉर्मेंस होती है जो एक नाटक के तौर पे करी जाती है और इसका सही ऑप्शन है मैस्क एस क्यू यू ई जिसका मतलब होता है कठपुतली का तमाशा ठीक है मास्क मुंह पे पहनने वाला मास्क हो गया मास्क हो गया अ पर्सन हु इज अडोप्टिड पर्सन और एनिमल दैट इज अडोप्टिड एज अ साइन एज अ जो आप गुड लक के लिए यूज़ करो कुछ तो मैस्क है जिसका मतलब होता है कठपुतली का नाच तो ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेजेज आती है बायो लैंग्वेज वो होते हैं ए जो जिनको दो लैंग्वेज आती है पॉलिकलॉट इज़ द करेक्ट आंसर बी फिलोसफर वो होता है पर्सन हु हैज़ डेवलप्ड अ सेट ऑफ आइडियाज़ अबाउट लाइफ नरेटर वो होता है जो किसी कहानी को नरेट कर रहा होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द बी पार्ट हेयर सेवेंथ पे आते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन एल्स किसी की लाइफ स्टोरी किसी और ने लिखी हो ऑटोबायोग्राफी होती है सेल्फ स्टडी लिखना और बायोग्राफी होती है किसी की जीवन की कहानी कैलिग्राफी होती है द स्टाइल ऑफ़ राइटिंग ऑटोग्राफी भी होती है किसी के जीवन की कहानी लिखना सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द बी पार्ट एर्थ है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन बिना प्रिपरेशन के कुछ स्पीच बोलना डिबेट डिबेट होता है किसी टॉपिक पे बहस करना डिक्लेमेशन होता है एक स्पीच देना किसी पर्सन पे किसी स्पेशल थिंग पे एक्सटेम्प्रोर होता है जब आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है और आप स्पीच बोलते हो सिम्पोजियम होता है एक कॉन्फ्रेंस नाइन्थ है मैटर रिटर्न बाय हैंड हाथ से लिखी हुई मैटर को बोलते हैं मैनूस्क्रिप्ट आपने पढ़ाई होगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है यार स्क्रप्चर होता है कोई भी मूर्ति स्क्रिप्शन होता है स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग मॉनूमेंट होता है कोई भी किला सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैनू स्क्रिप्ट अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन एक गवर्नमेंट एक आदमी के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट वो थी ऑटोक्रेसी आपने पढ़ाई होगा एस में ठीक है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द प्रोब इस प्रोब को हम पूरा करेंगे नॉलेज इज पावर ट्वेल्थ इज जैक ऑफ ऑल्ट्रेज मास्टर ऑफ नन इसका बहुत ही अच्छा सा हिंदी मीनिंग होता है हरफन माली हरफन मौला हरफन अधूरा ये एक हिंदी की कहावत है हरफन मौला हरफन अधूरा ठीक है थर्टीन है कट योर को, 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 कोट अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू योर क्या किसके अकॉर्डिंग अपना क्लोथ कोट काटोगे अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ और ये बहुत अच्छी हिंदी की वो है कहावत जिसका मतलब होता है जितनी चादर हो उतने पैर पसारो फोर्टीनथ है गॉड्स गॉड्स मेल ग्राइंड स्लो बट श्योर भगवान की चक्की धीमी चलती है लेकिन निश्चित रूप से चलती है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब रात की नींद हराम करना मतलब रातों रात कुछ काम करना बी इज द करेक्ट ऑप्शन कीप्स वन कीप वंस फिंगर क्रॉस अपनी उंगली को क्रॉस करके रखना कोई भी कार्य करने जा रहे होते हैं और आपको डर होता है तो आप अपनी फिंगर क्रॉस कर लेते हो सेवेंटींथ है देर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न बिना कांटे के कोई भी फूल नहीं खिलता ठीक है एटींथ है मेक है वैल द सन शाइन्स डीज द करेक्ट ऑप्शन का मतलब होता है कल करे सो आज कर आज करे सो अब नाइनटीन है हिज ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ द sides मीन्स किसी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट चारों तरफ से किसी के घर में पैसा आ रहा होता है है हर तरफ से अच्छी खबर आ रही होती है तो आप कहते हो हिज ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ द sides ट्वेंटी है द always ग्रीनर ऑन द अदर साइड ये भी एक कहावत है कि दूसरों की जो हमें बात होती है वो हमेशा अच्छी लगती है और दूसरों को दूर से दूर के ढोल सुहावने लगते हैं फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट फोर्सिंग समवन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट ट्वेंटी टू है अ रोलिंग स्टोन ग्यादर्स नो no moss मतलब होता है इसका लुढ़कते हुए पत्थर को कभी काई नहीं लगती ये आपने सुनी होगी लुढ़कता हुआ पत्थर कभी काई नहीं लगा पाता सी ऑप्शन पे चलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ई यहाँ पे हमें ई दिया है पूरा और इसका मीनिंग हमें ढूंढना है एबसेंस मेक्स द हर्ड ग्लो फाउंडर क्या होता है जब आप दूर रहती हो किसी से तो आपका लव आपका प्यार उसके प्रति बढ़ता है जैसे कहते हैं ना मैं अपनी मम्मी से दूर रहती हूँ मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर अ फ्लावर ब्लूम्स मोर देन वंस इसका मतलब होता है कि आपको कोई ओकेजन आपने मिस कर दी कोई अपने चांस मिस कर दिया यू कैन अवेल इट एट अनदर टाइम ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर ब्यूटी इज़ ऑनली स्किन डीप इसका मतलब होता है पर्सनस करेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इज़ अपीयरेंस अपीयरेंस जो है हमारी फिजिकल अपेयरेंस इज़ नॉट अ गाइड टू द कैरेक्टर सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट हेयर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड ठीक है अच्छा होने तक उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आपका काम ना हो जाए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यू मस्ट नॉट बी टू कॉन्फिडेंट दैन समथिंग विल बी सक्सेसफुल जैसे कि चंद्रयान थ्री में देखा था जब तक उनके लान नहीं हो गया था देयर फिंगर्स वर क्रॉस्ड ट्वेंटी सेवेंथ इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फ्रेंड्स आर प्लेंटीफुल ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब आपके बहुत जब आपके समय अच्छा चल रहा होता है ना तो आपके बहुत सारे दोस्त हो जाते सारी दुनिया आपकी दोस्त लगने लगती है ट्वेंटी एट्थ इज द वाउंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू इट्स अ सेइंग की इट्स अ सेइंग दैट पेरेंट सफरिंग गाइड वन टू एनलाइनमेंट एनलाइनमेंट दैट इज सी पार्ट कि आपको अपने परिश्रम से ही आपको सफलता मिलती है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन बहुत ईजी है द नीड फॉर समथिंग फोर्सिस पीपल टू फाइंड द वे ऑफ ऑबटेनिंग इट दैट इज़ द डी पार्ट अगर आपकी नीड नहीं होती तो आप हाउ टू मेक फायर हाउ टू लिव हाउ टू मेक हाउसेज आप कभी भी नहीं जान पाते अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स टॉइस अपॉर्चुनिटी जो है कभी कभी आपको दरवाज़ा खटखटाती है डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटीज दैट कम अलॉन्ग ए इज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज अचीवर सेक्शन है चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्यूट फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एन एथलेटिक इवेंट इन विच कॉम्पिटिटर टेक्स पार्ट इन टेन इवेंट्स इज टिकथलॉन बी इज द करेक्ट ऑप्शन स्टीलिंग फ्राम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स दूसरे की राइटिंग को चुड़ाना इजग्रिज्म सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बेटर लेट देन ने फेमिलैरिटी ब्रीथस कंटेम्ट पता हो तो सम्मान नहीं मिलता चिप ऑन वंस शोल्डर्स शोल्डर सो so, ये हो गया है हमारा चैप्टर फोर चैप्टर फाइव में कंटिन्यू करेंगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ बी द अचीवर ऑफ आई वर्क हार्ड विद मी आई विल डेफिनेटली गेट यू अ मेडल बाय बाय